नाम है आपका? रजनीश कुमार शुक्ला। क्या करते हैं रजनीश? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं जी। कैसा रीवा में विकास हुआ है कुछ? सर कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? इतना विकास तो अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी सरकार आती तो करके देती वो। अच्छा। समय के हिसाब से जो परिवर्तन हुआ है, जो हाँ। समय बढ़ा है हाँ। जैसे है ना 2000 का एक नारा था जी। कि हम दो हमारे दो, है ना। उस समय का रेशियो अगर आप जोड़ते हैं कि भाई 10,000 में परिवार चल सकता था, आज ऐसा है आज वैसा है, तो उस हिसाब से कोई भी सरकार आती तो काम होता इतना हाँ। पर जो यहाँ की जो भाजपा सरकार है और कांग्रेस सरकार है वो टोटल लोगों को सपना दिखाने का काम करती है। दोनों सरकार है। दोनों सरकार हाँ, ये पहले क्या उन्होंने दिखाया, पहले उन्होंने 70 साल आजादी के बाद उसने लूटा और इसने, और जब भाजपा सरकार आई तो इसने क्या किया कि थोड़ा रोड बना दिया हाँ। और भी थोड़ा सा ये काम कर दिया और झूठे घोषणाएं, झूठे वादे। क्या झूठी घोषणाएं? ये देंगे वो देंगे, पब्लिक को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या करते हैं, जैसे अभी ये जो मकान बनाने का जो मुद्दा आया है, जो पब्लिक को दिया जा रहा है, उसमें से किसी पंचायत में क्या करती है कि 10 लोगों को दे दिया हाँ। तो वो मोदी मोदी बोल रहे हैं हाँ। मोदी बहुत अच्छा है हाँ। और 75% लोग बोल रहे हैं यार बेकार है भाजपा हाँ। भाई इसने कोई काम नहीं किया है हाँ। तो 10% तो बोल रहे हैं। भाजपा के समर्थक ये कहते हैं कि भैया 4 साल में कितना करेंगे? भाई 4 साल में, 4 साल में बहुत कुछ हो सकता है सर जी। भाई नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा के समर्थक बोल रहे हैं। तो 4 साल में बहुत कुछ हो सकता है अगर सिस्टम से काम किया जाए हाँ। हम कहते हैं सिस्टम से अगर काम किया जाए। विधानसभा है आपकी? हमारी गुड़ विधानसभा है। गुड़ कौन लड़ रहा है वहाँ चुनाव? हमारे यहाँ से तो भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। हमारे यहाँ से नागेंद्र सिंह भी है। नागेंद्र सिंह जो जिला अध्यक्ष रहे हैं जी, अभी भी हैं हाँ। आम आदमी पार्टी से बालन शुक्ला जी हैं। बालन शुक्ला जी। सुंदरलाल तिवारी हैं कांग्रेस से। सुंदरलाल तिवारी श्रीनिवास तिवारी के बेटे जी, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं जी 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 जी। रीवा का शेर, रीवा का शेर। अच्छा, ये मैंने सब सुने हैं जुमले ये सारे। व्हाइट टाइगर बोलते हैं, व्हाइट टाइगर श्रीनिवास तिवारी को। व्हाइट टाइगर क्यों बोलते थे उनको? क्योंकि वो यहाँ के राजा थे, प्रधानमंत्री, उनको उतरने नहीं दिए थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को रीवा में। वो रीवा में अटल बिहारी वाजपेयी को उतरने नहीं दिए थे? ऐसी बात है क्या भाई? वाजपेयी जी को रीवा में उतरने नहीं दिया था? ऐसी बात है। फिर उन्होंने दिल्ली से फोर्स भेजकर और गिरीश गौतम को लड़ाकर वाजपेयी तिवारी जी को धूल चटा दी। तिवारी जी को धूल चटा दी, फिर कहे कैसे हैं जी? आप बताइए क्या नाम है आपका? जी विनोद शुक्ला। विनोद जी क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं आप? किस तरह की मजदूरी करते हैं? आरओ का काम है। आरओ का काम है, तो मजदूरी कहाँ हो, ये तो स्किल वाला काम हो गया ना जी। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं भाई साहब, अटल बिहारी को उतरने नहीं दिया था श्रीनिवास तिवारी ने? सब सुनी सुनाई बातें हैं, गलत बातें हैं। सुनी सुनाई बातें हैं, सही बात क्या है? चाचा चाचा मोहनलाल जी आएंगे आपके पास, हाथ मत जोड़िए आप हाँ जी। किस बारे में? कि अटल बिहारी को उतरने नहीं दिया श्रीनिवास तिवारी ने। नहीं नहीं अटल जी, आप में से कितने लोगों ने ये किस्सा सुना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को, हाथ ऊपर करिए, श्रीनिवास तिवारी ने उतरने नहीं दिया? इन दो लोगों ने सुना है और उधर दो लोगों ने सुना है।